नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। तो आज हम आपसे बात करने वाले हैं कि हमारे पास कौन कौन से तरीके की बेसिन अवेलेबल होती है, हमें किस जगह पे कौन कौन सी बेसिन लगाई जाती है और किन किन बेसिनों का क्या क्या नाम होता है। तो आज हम इन सारी टॉपिक को कवर करेंगे, उसके साथ ही आपको हम बताएंगे कि हमारी बेसिनों में आपको कौन कौन से सामान लगते हैं जब हम बेसिन को फिटिंग करते हैं, और बेसिन फिट करते वक्त किस किस तरीके की सावधानी रखनी चाहिए और हमें बेसिन की नॉर्मल हाइट कितनी रखनी चाहिए। तो आइए हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप जो देख रहे हैं फोटोज़ में, इसे हम पेडेस्टल बेसिन बोलते हैं। ये पेडेस्टल बेसिन होती है, इसकी हाइट जो ज़मीन से ऊपर आपकी 2.5 फिट होती है। तो आपको जो भी बेसिन लगानी होती है आप उसे 2.5 फिट में आप लगा सकते हैं। ज़्यादातर बेसिनें 2.5 फिट में ही लगाई जाती हैं ताकि बच्चे और बड़ों सबकी पहुंच में आसानी से रहे और आपकी ज़रूरत के हिसाब से आप उसे यूज़ कर सकें। पेडेस्टल बेसिन हमेशा 2 पार्ट में मिलती है, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट। तो ये दोनों हमेशा कॉम्बो में आता है, ये दोनों का सेट आपको एक साथ लेना पड़ता है। जो ये बेसिनें देख रहे हैं ये 1600 से 1800 रुपये में आपको बाज़ार में आसानी से मिल जाती है। इसमें बहुत सारे कलर और बहुत सारे डिज़ाइन मिलते हैं। ये जो रेड वाली बेसिन आप देख रहे हैं ये करीब 1800 रुपये की है मार्केट वैल्यू। ये वाइट वाली ये 1500 रुपये की है। ये देखिए, ये भी आपकी 1800 रुपये की है। ये आपकी थोड़ी सी नई फैंसी है तो ये आपकी 2500 रुपये की बेसिन आती है, ये डिज़ाइनर होती हैं। तो ये सारी बेसिनें आप देख रहे हैं। इन बेसिनों में ये देखिए, ये जो आप फोटोज़ में देख रहे हैं इसमें कॉर्नर बेसिन 11-14, 11-18 और भी कई तरीके की साइजेस की बेसिनें हैं, तो उन सब की हम आपको बताते हैं। ये देखिए महाराजा साइज़ है। महाराजा साइज़ यानी कि वो काफ़ी बड़ा साइज़ होता है और इसे हम लगाते हैं। ब्लैक कलर लोग इसलिए प्रेफर करते हैं कि ये गंदगी कम ऑब्जर्व कर लेते हैं, यानी बहुत ज़्यादा गंदा आपको नहीं दिखता। अभी इन बेसिनों में कोई भी टैप्स वगैरह नहीं लगी है तो आपको ये नॉर्मल बेसिन ही दिख रही होगी। इसको पूरी फिटिंग लगाने के बाद इसमें सारा लुक आता है, जैसे कि मिरर है, साइड ग्लासेस हैं और इसके अलावा इसमें सोप वगैरह रखने का सोप डिस्क है। तो ये ग्रीन कलर की बेसिन, इसको महाराजा साइज़ बोलते हैं। देखिए ये काफ़ी इसकी कला, इसमें जो डिज़ाइनें बनी कलाकृति ये बहुत ही खूबसूरत है। तो इसको आप, हाँ, इसका पावर देखिए काफ़ी चौड़ा है और काफ़ी स्मूथ डिज़ाइन में बना हुआ है। ठीक है, इसमें जो ये टैप लगी हुई है ये ऑप्शनल होती है, ये आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपनी पसंद और बजट के हिसाब से छोटा बड़ा लगा सकते हैं। इसमें अभी मैंने प्लास्टिक की टैप लगी हुई देख रहे हैं तो इसकी कीमत करीब 100 रुपये से भी कम होती है इस प्लास्टिक वाले टैप की। तो आपको मार्केट में 40-50-60 रुपये में अच्छी टैप्स मिल जाती हैं प्लास्टिक की। आपको पता है कि पानी में सिर्फ दो ही चीज़ें अच्छे से काम करती हैं, तो प्लास्टिक या तो पीतल। ये जो सामने वाली टैप आप देख रहे हैं इस पर, ये ब्रास यानी पीतल की है और ये 2-साइडेड है। ये देखिए आप कॉर्नर बेसिन देख रहे हैं, जहाँ ये दोनों आपको कॉर्नर बेसिनें दिख रही हैं, जहाँ आपको कॉर्नर में आपके बाथरूम के अंदर या जहाँ पर आपको कॉर्नर में लगाना है आप कॉर्नर बेसिन, ये देखिए ये 11x14, इसकी चौड़ाई 11 फिट 11 इंच है और हाइट इसकी 14 इंच है। ये देखिए ये भी 11x14 की इसकी बेसिन टैप साइड में लगेगी। हाँ, ये सब आपकी कॉर्नर और साइड बेसिनें हैं। इसके अलावा देखिए ये बड़ा साइज है, ये 18x16 का है, 18 चौड़ाई और 16 इसकी लंबाई होती है। तो ये एक आइडियल बेसिन होती है, 400 से 500 रुपये में आपको मिल जाती है। ये स्क्वायर शेप है, ये अब भी स्क्वायर शेप है। तो ये सारे डिज़ाइन और इसमें बहुत सारे कलर आते हैं, ज़्यादातर लोग वाइट ही पसंद करते हैं, बट इसमें भी आपको कलर काफ़ी सारे मिल जाएंगे। तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसमें कलर ले सकते हैं और डिज़ाइन ज़रूरत के हिसाब से डिज़ाइन लगवा सकते हैं। देखिए ये बहुत ही प्यारा प्यारे कलर है, 11x14 का साइज। अब पूरे बेसिन की फोटो देख रहे हैं, आपको पता है ये चीनी मिट्टी की चीज़ें होती हैं, तो इसको लगाने में बहुत ही सावधानी रखनी पड़ती है क्योंकि ये बहुत नाजुक होता है। आप जब भी इसे ले जाएं तो बहुत अच्छे से पैक करके अपने घर पे ले जाएं, क्योंकि अगर इसमें थोड़ा सा भी क्रैक हो गया तो ये आपका वेस्ट में चला जाएगा, यानी ये डैमेज में चला जाएगा, फिर आपकी किसी काम नहीं आएगा। जैसे आप कांच की चीज़ों का की देखभाल करते हैं वैसे ही इसकी भी देखभाल आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, ये पेडेस्टल बेसिन है, इसमें देखिए ये कलर है, ये भी आपको 1400 से 1500 रुपये में, ये भी 1500 के से 1800 रुपये में है। क्वालिटी और ब्रांड के ऊपर कई बार रेट अलग अलग हो सकता है, आपकी लोकेशन के ऊपर भी है, क्योंकि ज़्यादातर ये बेसिनें गुजरात से आती हैं, गुजरात मोरबी से, तो
वहाँ पर रेट अलग होता है, बट अगर ये बहुत ज़्यादा दूर ट्रैवल करते हो तो ट्रैवल कॉस्ट ज़्यादा आती है। ये वाइट कलर की है, ये 1500 रुपये की है। ये सारे कलरफुल बेसिन आप देख सकते हैं, ये भी महाराजा बेसिन है, इसका कलर अलग है। वो ग्रीन वाला देखा तो ये देखिए ऑरेंज कलर की है, ये भी महाराजा साइज ही बेसिन है। ये नॉर्मल साइज है, ये आपको 1500 से 1800 रुपये में आसानी से मिलेगा। ये वैनिटी बॉक्सेस के ऊपर देखिए एक टॉवल रॉड लगी हुई है जिसमें आप टॉवल रखते हैं। ये वैनिटी बेसिन है, इसे ज़्यादातर लोग अपने ड्राइंग रूम में, डाइनिंग रूम में लगाते हैं ताकि आप इसमें अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें रख सकते हैं। इसमें आप मिरर लगा सकते हैं और ये आपका एक फुल वैनिटी बॉक्स किट जैसा है। इसमें जो भी ये बॉक्सेस बने हैं आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो भी आप सामान रखना चाहें इसमें आसानी से रख सकते हैं। इसमें बेसिन की टैप्स अलग अलग लेते हैं, देखिए 18x14 का है। इसमें देखिए ऊपर जो टोटी लगी से इसे आप पिलर कॉक कहते हैं और जो नीचे लगी हुई है उसे आप बेसिन टैप कहते हैं। ये देखिए ये है आपका टेफ्रॉन टेप है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है हर टैप्स को लगाने के लिए। ये आपका लोहे की रॉड जिसे ब्रैकेट कहते हैं, ये आपकी जो भी टॉप ऊपर वाली बेसिन होती है वो इसी पर टिकी होती है। तो ये आपकी बेस जाली है, जो भी बेसिन में जो पाइप गंदा पानी जाने के लिए जो नाली लगती है वो ये भी अलग से लेनी होती है। ये 40 से 60 रुपये में मिल जाता है। ये आपका फास्टनट है, फास्टनर इसे फास्टनट कहते हैं, जो बेसिन आपकी पेडेस्टन होती है वो इसी पे टंगती है। ये 20 से 30 रुपये में मिल जाता है। ये एंगल कॉक है, तो एंगल कॉक जो पहले आपका पानी एंगल कॉक में आता है उसके बाद इस टैप में जाता है, तो इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए जो बगल में पाइप पड़ी हुई है उसे लगाते हैं। इस टैप को स्वाइन नेक बोलते हैं। ये मिक्सर के रूप में भी आता है और सिंगल भी आता है, तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसमें लगा सकते हैं। जी आपका PVC लेड कनेक्शन है और ये आपका बेस पाइप है। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ और प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताएं कि मैं आगे आपको और किस तरीके की वीडियोस अपलोड करूं। जो भी आप कमेंट सर सब्सक्राइब करने के लिए आपको नीचे देखिए रेड कलर का एक बटन बना होगा सब्सक्राइब, उस पर लिखा होगा, उसको ज़रूर से क्लिक करिएगा और उसके बगल एक घंटी बनी होगी तो उस घंटी को ज़रूर से दबाइएगा ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो आपको समय पर मिलते रहें।